खबरों में आगे बढ़ेंगे। शराब नीति केस में जांच एजेंसी ईडी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। इसी केस में केजरीवाल से सीबीआई ने अप्रैल में करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जेल में है। दिल्ली सरकार के मंत्री आदित्य ने मंगलवार को दावा किया कि 2 नवम्बर को ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। केजरीवाल के बाद इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता भी गिरफ्तार होंगे। अगला नंबर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, केरल के सीएम पी विजयन, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन और बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का है। तो आज अरविंद केजरीवाल को आज समन भेजा गया था, आज उन्हें कोर्ट में पेश होना। शराब नीति केस का ये पूरा मामला आज अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ करेगी। इससे पहले सीबीआई अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी नागेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र, आज अरविंद केजरीवाल की पेशी है, ईडी आज पूछताछ करने जा रही है, क्या कुछ खबर है, कितनी देर में पेश होंगे अरविंद केजरीवाल? जी बिल्कुल, देखिए ईडी की तरफ से 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल को एक समन जारी किया गया था, जिसमें कि ईडी के दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया था। आज 11 बजे अरविंद केजरीवाल को ईडी के दफ्तर में पेश होना है। और इससे पहले यदि बात करें तो तमाम आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि 2 तारीख को सिर्फ पूछताछ नहीं की जाएगी, बल्कि जिस तरह से संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था, उसी तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जब दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, जब उनसे ये पूछा गया था कि यदि ऐसा होता है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से हिरासत में लिया जाता है, तो इसके बाद आम आदमी पार्टी या फिर दिल्ली सरकार का अगला कदम क्या होगा, तो उस पर उन्होंने कहा था कि इतना अभी हमने सोचा नहीं है और बिना अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हम कुछ नहीं सोच सकते। यदि ऐसा होता है कि उन्हें हिरासत में लिया जाता है या जेल में डाला जाता है, तो फिर दिल्ली सरकार तिहाड़ से ही चलेगी। तो ये आम आदमी पार्टी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की यदि बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से पोस्टरबाजी भी की जा रही है, दिल्ली के अंदर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस पर इस्तीफा दें, क्योंकि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा है कि सिर्फ संजय सिंह, मनीष सिसोदिया या फिर दूसरे नेता या अधिकारी ही नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी को भी इस मामले में आरोपी बनाने की जो कवायद है वो ईडी की तरफ से शुरू की जा रही है। और आज हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को इसीलिए बुलाया हो क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। बिल्कुल नागेंद्र, तो लगातार ये तमाम आरोप आम आदमी पार्टी लगातार लगाती हुई नजर आई है। इससे पहले 16 अप्रैल को भी सीबीआई ने करीब 9 घंटे अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी और आज फिर से ईडी ने समन भेजा है और पेश होना अरविंद केजरीवाल को। तो इस लिहाज से मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं, वो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, इस लिहाज से प्रशासन की ओर से किस तरह की व्यवस्था दिल्ली में देखी जा रही है? देखिए, यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा की बात की जाए तो वो पहले से ही उसके पूरे बंदोबस्त हैं दिल्ली सरकार की तरफ से भी। अब वो बात नहीं है जब अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और उस पर तो उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए और दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोई असुरक्षा नहीं है, किसी से खतरा नहीं है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के साथ पूरा लाभ लश्कर सुरक्षा के लिए होता है और दूसरी तरफ क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो ईडी की तरफ से भी ऑफिस और उसके आसपास में व्यवस्था सुरक्षा की गई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या उन्हें आज पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा जैसा कि संजय सिंह को किया गया था। बिल्कुल नागेंद्र, आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि जो सरकार है वो इंडिया गठबंधन को लेकर परेशान है और इसी वजह से लगातार वो निशाना बना रही है पार्टियों को। जी बिल्कुल, देखिए ये आम आदमी पार्टी के आरोप जरूर हैं, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है उसमें भी सभी दल ऐसा नहीं सोचते हैं, क्योंकि दिल्ली में
आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस भी लड़ती है और बीजेपी भी लड़ती है, तो कांग्रेस की तरफ से खुलकर समर्थन आम आदमी पार्टी का इसमें नहीं किया जा रहा है। हाँ, जब उनसे सवाल भी किए जाते हैं कांग्रेस के नेताओं से, तो वो नाम लिए बगैर समर्थन करते हैं, यदि समर्थन थोड़ा बहुत करते भी हैं। क्योंकि लगातार आतिशी का जो बयान था वो आपने हमने सभी ने सुना, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद जब उनसे पूछताछ होगी उनको जेल में डाला जाएगा, उसके बाद और भी लोगों का नंबर आने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से जरूर ये कहा जा रहा है, और यदि इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनमें भी कई नेता हैं जो ये कहते हैं कि ईडी या फिर दूसरी जांच एजेंसियों की सारी कार्रवाई जो विपक्षी दल है उनके साथ ही क्यों होती है, बीजेपी या फिर बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में जो राजनीतिक पार्टी है क्या वो सभी दूध की धुली हुई है, क्या वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, तो ये तो सवाल पूछता रहा है। और अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को समन दिया गया है, उन्हें बुलाया गया है, उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाए हैं कि विपक्ष की पार्टियों के जहाँ भी मुख्यमंत्री हैं अगला कदम उनको गिरफ्तार करने का भी केंद्र सरकार या फिर जांच एजेंसियों के द्वारा हो सकता। चलिए ठीक है, नागेंद्र हमारे साथ बने रहिए।